हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार शैडो ऑफ टॉम राइडर में, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में जिस तरह का गेम प्ले किया था, लारा का बचपन का गेम प्ले था, वो सारा का सारा थोड़ा सा सैड था एंड मोमेंट पे, और मैंने भी उसके बाद गेम प्ले स्टॉप कर दिया था। अगर आप लोगों को देखना हो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर देखना। लेकिन अब हमारी स्टोरी कंटिन्यू हो चुकी है और अभी हम लोग नए एडवेंचर के लिए निकल चुके हैं। तो आप लोग भी अपने वेपन्स रेडी कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो अभी जोना और लारा दोनों निकल चुके हैं जंगल में इनके नए एडवेंचर के सफ़र की ओर, और अभी देखते हैं हमें ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी कुछ मुझे मिल रहा है, यहाँ जंगल में से जो भी कोई आइटम वगैरह मिल रही है, वो सारा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो मैंने देख लिया इस गेम में, ये सारी चीज़ों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। आगे भी इन्वेंटरी वगैरह अपडेट करने में भी इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी लास्ट टाइम वो पूरा वीडियो में नहीं डाला था, लास्ट टाइम के वीडियो में, लेकिन मैंने वो सारा कुछ अपडेट वगैरह किया था तो मुझे बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत पड़ी थी। और यहाँ पे जंप है, ओके। और यहाँ पे मुझे एक केबिन दिखा है, अब देखते हैं केबिन में क्या है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है केबिन में। पहले बाहर से तो सब कलेक्ट कर लूँ, अब जाता हूँ केबिन में और देखते हैं केबिन में कुछ हमारे काम की चीज़ मिलती है या नहीं। वैसे केबिन पूरा खाली पड़ा हुआ है, बहुत वक्त से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया लगता, और ये मैप के अंदर ऐड भी हो गया जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ इतना कुछ ज़्यादा है नहीं झमेला, लेकिन अभी कुछ तो होने वाला है ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो आया हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे हो, कुछ फाइट वगैरह आ सकती है। यार काय के लिए अभी गेम थोड़ी सी लैग हुई, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ये सारे जो एनिमीज है उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी है। ठीक है, लारा सामने हाइड हो गए, और भी कार आ रही है। आए, इसने तो गन तुरंत निकाल ली। इसको मैं लपेटे में लेता हूँ। ठीक है, चलो ये तो लपेटे में आ गया, अब मुझे छुप छुप के निकलना है यहाँ से। जोना ने भी एक को तो निकाल लिया। अबे छुप के निकलना है, कहाँ सामने निकल गई शेट, अब क्या होगा। अरे यार जा, उड़ा दिया शेट शेट, दोनों को ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सेम अगेन। मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। अब मुझे थोड़ा और संभल के यहाँ से निकलना होगा। पहले जोना उसे ख़त्म कर देता है, बहुत जल्दी नहीं करनी है मुझे, बिल्कुल संभल संभल के, वरना मैं अगर बीच में आ गया ना तो उनकी नज़र पड़ जाएगी। पहले देख लूँ कहाँ है। अच्छा, यहाँ से मैं सामने जा सकता हूँ। अभी इस और किसी की नज़र नहीं है तो अभी मेरे लिए अच्छा स्पॉट है कि मैं चला जाऊं। चलो यहाँ पे मैं छुप गया, यहाँ पे एक खड़ा हुआ है। अच्छा, इसे भी मैं छुप के शायद मार सकता हूँ। चल तू भी निकल ले। अब थोड़ा सा रास्ता क्लियर हुआ है, जोना भी इसकी जगह पे पहुँच चुका है। ओ, ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जाना है तो, लेकिन यहाँ पे ये जितने भी एनिमीज है उन्हें ख़त्म तो करना होगा, उन्हें मारना तो होगा ही। अभी वेपनाइज भी है, वो साले बख्तर वाले थोड़े डेंजरस वाले लोग भी है यहाँ पे। ये दोनों को टारगेट में लेना होगा। अच्छा, एक को मैं मारूंगा, एक को जोना मारेगा, ऐसा है। चलो ये दो तो ख़त्म हुए, और ये दो भी अभी हमारी ओर ही आएंगे, अभी छुप जाना पड़ेगा। ये अलर्ट हो जाएंगे इन्हें देख के कि ये लोग बेहोश है यहाँ पे, किसने मारा होगा इन्हें।
वो जोना कहाँ भाग रहा है वहाँ पे छुप छुप के। अभी एक बंदा मेरे बहुत करीब है, इसको मैं निपटा तो लूँगा। एक को मैंने निपटा लिया है, अभी एक और बचा हुआ है और वो चला गया यार सामने। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, वहीं से तो रास्ता है, वहीं जाना होगा। ये बहुत लॉन्ग है, खाई में नहीं कूद पाऊँगा, ये गड्ढा बहुत बड़ा है। ठीक है चलो, साइड पे सा रास्ता है। ओ अच्छा अच्छा चलो, अच्छी बात है कि ये वीडियोस है। और एक और अच्छी बात हुई कि मुझे राइफल मिल गई। ओह मेरे पास अभी तक सिर्फ बॉ था, लेकिन अब मेरे पास गन भी आ गई है, बड़ी गन। और जोना ने काफी अच्छी हिम्मत दिखाई यहाँ पे। पिस्तौल भी आ गई, गन भी आ गई और बॉ भी मेरे पास, तीन तीन वेपन हो चुके हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। तो अभी जाना है हमें फिर से एक केव में। ये शायद तो किसी तरह की सुरंग है, और लेकिन काफी अंधेरा है अंदर। यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ मिल रहा है। वैसे मैं हैंडगन हाथ में रखूंगा, शायद कोई एनिमी आ जाए। वो निशाना गलत, सेट गए, फिर से खत्म यार। निशाना बिल्कुल जंप का गलत लग गया मुझसे, बिल्कुल ही रॉन्ग जंप था मेरा। चल यार जल्दी लोड हो जा। ओके हो गया हो गया। अच्छा है बहुत दूर से नहीं आया, यहीं से आ गया। आज पता नहीं क्या है, मैं दो बार इस गेम में मर चुका हूँ, फेल हो चुका हूँ। वैसे जैसे तैसे मैं गेम में इस तरह से डिफीट नहीं होता हूँ। बहुत कम चांस है मेरे इस तरह से किसी भी गेम में डिफीट होने के। और यहाँ पे ये बॉक्स सही से लेना है मुझे। सो सामने फिर से रास्ता बंद है, और इसे खोलने के लिए मुझे आग वाले एरो चाहिए होंगे। और आग वाले एरो में क्राफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि इसे क्राफ्ट करूँ कैसे। इस तरह से तो नहीं होगा, ये कुछ तो यूज़ करना है इसे क्राफ्ट करने के लिए, लेकिन कैसे। कोई तो चीज़ है यार जो मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा इस तरह से माउस को, ओके ओके हो गया, चलो क्राफ्ट हो गया। आग वाला एरो मैंने क्राफ्ट कर लिया, और मैं ज़्यादा कर लूँगा। ओ चार की लिमिट है, अच्छा मुझे इसके पाउच वगैरह अपग्रेड करने होंगे, तब जाके लिमिट बढ़ जाएगी। अभी से जला के ओके काम हो गया मेरा, बस यही चाहिए था मुझे। अपना काम बनता तो बाहर में जाए चलता। वाकियाकू, पता नहीं ये किस तरह का नाम है। अच्छा माउंटेन का नाम है। ओ नहीं, ये शायद बस्ती में पहुंच गए हम लोग। ओके बस्ती में तो पहुंच गए हम लोग। सो अभी तो शायद थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन वगैरह आएगी लोगों के साथ, और शायद ये कोई एक कैरेक्टर है, एनसीपी है, उसके साथ ही कन्वर्सेशन हो सकता है, क्योंकि सीधा फोकस उसके ऊपर ही दिया था। How'd you get so deep into the jungle? Did you lose your tour group or something? No. There were some guys here before, looking for artifacts. You with them? Trinity. Definitely not. ठीक है, अब थोड़ी बहुत जान पहचान बढ़ाने का वक्त आ चुका है। Come with me. कैरेक्टर तो बहुत ही डिटेल्ड बनाए यार, 2018 में भी इतने डिटेल्ड कैरेक्टर। I'm sorry to ask so many questions. अभी की गेम का लेवल तो क्या ही है, जब 2018 में इस तरह का लेवल है। Abby, Lara. Abby. Abby नाम है इसका। वैसे मुझे ये नाम बहुत ज्यादा देर तक याद भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम अगर इसका फिर से इंटरफेयर होगा गेम में, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इसका नाम क्या है। What are you here for exactly? Well, we were following a riddle when our plane went down. You mean it crashed? Yeah. And you just walked out of the crash?
Well, you know, it's cruising pretty low. We are looking for Maya ruins. Maya? You know you're in Peru, right? Maya ke khandir dhoond rahe ye log. Long story. Thanks. Well, you don't seem like achhi mehman nawazi kar rahe hain yahan pe. Oh, she's the archaeologist. I'm just a cook. Really? Yeah. Have you tried any of our local ceviche yet? It's a Lara archaeologist hai aur ye sirf cook hai. Don't tell me you missed our famous fish trees. दोनों के बीच में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री बढ़ती हुई और जिसका अंदेशा लारा को लग चुका है। Where did you take this? Mexico. Why? No, I've seen this symbol before. Wow. There are some ruins nearby and a small rock with something like this carved on it. Do you mind if I take a look around? Be my guest, but I guarantee they're not Mayan. My people were Inca and proud of it. Why don't you rest for a while? You sure? I promised you a day off. चलो इसे तो मिल गया, लारा को तो काम मिल गया और उसने जोना को बोला कि वो यहीं रुके, वो अकेली जाके काम निपटा के आती है, देख के रूइंस पे एक नज़र, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री बढ़ सके। तो अभी हम लोग इसे लेके निकलते हैं, लारा को लेके। You want to make a deal? हाँ। अब ये क्या हो गया है यार, इसने क्यों इंटरेक्ट कर लिया सीधा इसी के साथ? No, just passing through. Okay. If you need anything, the market's in the middle of town. You can resupply before you move on. Thank you. अच्छा ये शायद ये कोई लोकल शॉप के बारे में बातचीत थी इन दोनों के बीच में और यहाँ पे शायद उसको दिखा भी दिया है। वहाँ से कुछ परचेज सेल वगैरह कर सकते होंगे, जाते वहाँ पे और करते हैं। इसके साथ इंटरेक्ट करके देखते क्या होता है। Just ask me. Are you the local tour guide? I know where to go and who to steer you clear of. I see. Best fish is on the dock, obviously. Tacos are best at El Licor de Cerdo, but his beer is piss warm. I'll watch out for that. Oh, and Omar, stay away from that guy. You don't need his kind of trouble. Thinks he can just come to town and take what he wants. Right. Well, I'll be sure to keep an eye out for trouble. अबे छोड़ दे अब इसके साथ बातचीत। चल चल यार, पता बहुत लंबी बातचीत खींच ली इसने। अभी ये कोई साइड मिशन अवेलेबल हो चुका है, मेन मिशन नहीं लगता मुझे, साइड मिशन ही होगा क्योंकि मेन मिशन पे तो पॉइंट दिखा देते और बहुत ही डिटेल बनाया हुआ है पूरा विलेज, काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे, कलर भी काफ़ी मस्त लग रहे हैं यहाँ। लकड़ी से सारे जो भी घर के स्ट्रक्चर है सारे लकड़ी के हैं और कई जगहों पे पत्थर का यूज़ किया हुआ है और वो जो लेडी हमें मिली थी, वो जो शॉप की बात हो रही थी, वो शायद यहीं पे है। चलो इसके साथ इंटरेक्ट करके देखते हैं हमें क्या मिल सकता है, क्या हम लोग सेल कर सकते हैं। हमारे पास जो भी अननेसेसरी आइटम्स होगी वो सारी सेल कर देंगे जिससे कि कॉइन बढ़ सके। ये शायद इसे किसी और समझ लिया, इसने शॉपकीपर ने इसे कोई और समझ लिया। This is Kuwakiyaku, one of the greatest archaeological sites in South America. Well, it could be. It should be. If it weren't for pillagers? Exactly. Omar and his thugs are after money, not history. I have items of cultural significance for sale. They may be damaged, but they're worth restoring. Let me show you what I have. अच्छा चलो, ये सारी आइटम्स है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अपग्रेड भी हो सकता है, पाउच वगैरह, गन वगैरह से परचेस कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। हमारे पास जो आइटम ज़्यादा है उसे हम सेल कर देंगे जिससे कि कॉइन मिल सके हमें, और सारी आइटम हम सेल नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही सेल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना सेल। A good deal for both of us. ये तो मुझे क्राफ्टिंग में शायद काम लगेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो मैं सेल कर सकता हूँ। इसे नहीं नहीं नहीं, ये तो क्लोज से, इसे तो नहीं करना सेल, मुझे ज्यादा भी नहीं है मेरे पास। वैसे 7577 कॉइन हो चुके हैं मेरे पास गोल्ड पीसीस,
और अब मुझे नहीं लगता कि कुछ सेल करने लायक मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन मैं परचेस कर सकता हूँ। एक गन तो मेरे मुझे मिल जाएगी, गन परचेस करके कोई फायदा नहीं है। ये क्या है? नहीं, इसे परचेस करना चाहिए। एमओ पाउच भी परचेस कर लेता हूँ, जिससे कि एमओ कैपेसिटी बढ़ जाए। बाकी के तो एमओ वगैरह है, दूसरा कुछ मुझे नहीं लगता कि परचेस करना चाहिए। ये ब्लैक पाउडर मुझे थोड़ा परचेस करना चाहिए, शायद किसी चीज़ में काम आ जाए। एंजॉय। ये भी थोड़ा मटेरियल में परचेस कर लेता हूँ, ये अपडेट में काम लगेगा मुझे। एक्सेलेंट चॉइस। अब इतने कॉइन रहने देता आई एम हूँ, ऑलवेज रेडी और टू कुछ डू बिजनेस। परचेस नहीं करना। बस यहाँ बात ख़त्म हमारी, हम चलते हैं जहाँ हमें जाना है। वो जोना, आई फाउंड इंकन रुइंस, बट आई थिंक द फाउंडेशन ऑफ द टेंपल इज ओल्डर। या हैव यू रिमेंबर्ड व्हेयर शी सॉ दैट सिंबल? एक खंडर टाइप का कोई टेंपल है यहाँ पे, जिसके अंदर अब ये थोड़ी बहुत खोजबीन करनी होगी। अच्छा, ये भी बोल रही है कि कुछ तोड़ फोड़ मत कर देना। अरे यार, एक बार तो ऐसा ही लगा कि पीछे कुछ है, लेकिन वो तो स्टेच्यू है। ये जोना कहाँ से आ गया इतना जल्दी यहाँ पे? कुछ तो मिला है लारा को यहाँ पे। Twins come together. ये खाली दीवारें अंदर से जैसे। ओह, इसने तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। I'm not breaking it. I'm restoring the original. Someone was. अच्छा, किसी ने यहाँ पे छुपा दिया था जो ओरिजिनल था उसे। और शायद तो यहाँ पे दरवाजा है किसी तरह का अंदर। The twins come together before following the path of the living. It's been tampered with. Like that thing in Mexico. This must lead to the next clue. Go. I'll stay here. See what else I can find. Sounds good. ठीक है, तो अभी हम अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं कहाँ निकलते हैं, और उसके बाद आज का गेम प्ले भी हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं लगता कि बनाना चाहिए। एक अच्छे से डेस्टिनेशन पे जाके हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि आगे काफ़ी लंबी स्टोरी चले तो हम लोग स्टॉप ना कर पाए। ओ, दरवाजे में से दरवाजा खुला और ये जो टेंपल ढूंढ रही थी वहाँ पहुँच गई। ओ, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, मतलब के जो लोग इसे और लोग भी ढूंढ रहे हैं वो लोग भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और हम लोग उनकी खबर लेने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।